Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IS. This is the Focus Prelims 2020 series and today we will be discussing the current affairs of week 1 of February 2019. So the first question is, consider the following statements regarding Intermediate Range Nuclear Force Treaty. First, it banned the United States and Russia from fielding land-based missile with the range between 500 and 5,500 kilometers, and USA has withdrawn from this treaty. So the first statement is correct. जब कोल्ड वॉर का टाइम था तो यूएसए एंड रशिया के अंदर एक तरीके का आर्म्स रेस शुरू हो गया था, तो उस टाइम पे किसी भी टाइप के एस्केलेशन को रोकने के लिए एक ट्रीटी आया था जिसका नाम था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी. जो मिसाइल्स जिनका रेंज 500 टू 5500 किलोमीटर्स का था, लैंड बेस्ड मिसाइल्स का, उसको बैन कर दिया गया था. उस टाइम पे यूएस एंड रशिया दोनों ही यूरोप के अंदर जो है मिसाइल्स लगा रहे थे और चांसेस थे कि कभी भी किसी भी टाइम पे वॉर शुरू हो सकता है, तब ये ट्रीटी साइन की गई थी. एंड रिसेंटली ये न्यूज में इसीलिए आया है क्योंकि यूएसए ने इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि यूएसए को लगता है कि रशिया ने इस ट्रीटी को ब्रीच किया है एंड वो ऐसी मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं जो इस ट्रीटी को ब्रीच करते हों. ये ट्रीटी 1987 में आई थी. उस टाइम पे स्टार्ट एंड सॉल्ट एंड INF ऐसी मल्टीपल ट्रीटीज आई थी जिन्होंने आर्म्स रेस को रोकने के लिए किया गया था, उसमें से ये एक ट्रीटी थी. तो अब ये ट्रीटी जो है ये खत्म हो चुकी है क्योंकि यूएस ने इससे विड्रॉ कर लिया है. नेक्स्ट इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी भारत रत्न. फर्स्ट, इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. सेकेंड, ओनली इंडियन सिटीजन कैन रिसीव दिस अवार्ड. थर्ड, भूपेन हजारिका एंड नानाजी देशमुख आर द लेटेस्ट विनर्स ऑफ द अवार्ड. द अवार्ड इज लिमिटेड टू अचीवमेंट्स इन आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज. भारत रत्न है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी राइट, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का. सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कहीं पे भी रिटर्न में ये नहीं दिया गया है कि भारत रत्न सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया जाएगा. नेल्सन मंडेला को ये अवार्ड मिल चुका है जो कि साउथ अफ्रीका के सिटीजन है. इससे पहले जो फ्रंटियर गांधी जिनको बोला जाता है, खान अब्दुल गफार खान, उन्हें भी ये मिल चुका है जबकि वो पाकिस्तान के सिटीजन थे. तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है. थर्ड इज करेक्ट, भूपेन हजारिका नानाजी देशमुख जो थे वो लेटेस्ट विनर्स हैं इस अवार्ड के, दिस इज करेक्ट. बट द फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट राइट बिकॉज अर्लियर ये सिर्फ इसी से लिमिटेड था, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज से, लेकिन बाद में किसी भी फील्ड में अगर किसी का अचीवमेंट है उसको फिर भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है. ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी किया है उन्होंने, किसी भी टाइप का प्रमोशन किया है, चाहे आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विसेज हो या कोई भी और फील्ड हो, तो उसके लिए भारत रत्न दिया जा सकता है. तो दिस लिस्ट डजंट स्टैंड नाउ. सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 3. So the next question is, consider the following statement regarding the Indus Water Treaty. It was brokered by IMF. A permanent Indus Commission was set up as a bilateral commission to implement and manage the treaty. Third, under the treaty, India got control of rivers Bias, Ravi and Satluj. इसके अंदर हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेके. तो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो ये ट्रीटी है इट वॉज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड नॉट द IMF. सेकेंड इज राइट, परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया है, ये एक बायलेटरल कमीशन है जो इंडस वाटर ट्रीटी को मैनेज भी करता है और इम्प्लीमेंट भी करता है, द परमानेंट इंडस कमीशन. एंड इंडस वाटर जो है, इंडस जो रिवर है उसकी ट्रीटी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें से ब्यास, रावी एंड जो सतलुज है वो का कंट्रोल जो है वो इंडिया को मिला है. सो सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें से आप थोड़ा सा और डिटेल देख सकते हैं कि 1960 के अंदर ये ट्रीटी साइन हुई है. जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान ने ये ट्रीटी को साइन किया था जिसके अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वाटर जो है वो इंडस वाटर सिस्टम का पाकिस्तान को मिला है. अब जो कंट्रोल है रिवर्स का, 6 रिवर्स हैं, ब्यास, रावी, सतलुज इंडिया को मिला है. इंडस, चिनाब एंड झेलम का जो पानी का कंट्रोल है वो पाकिस्तान को मिला है. ये एक काफी यूनिक ट्रीटी है क्योंकि इसको ब्रोकर किया गया है वर्ल्ड बैंक ने, एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी. इंडस वाटर जो कमीशन है, परमानेंट इंडस कमीशन, वो इसको मैनेज करता है और इसमें एक आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म भी है कि कोई भी डिस्प्यूट हो उसको सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस.
First, it comes under the Ministry of Corporate Affairs. Second, it was established in 2003 based on the recommendation of the Naresh Chandra Committee on Corporate Audit and Governance. Third, it received statutory powers under the Companies Act 2013. So the correct answer is all of the above. Jo Serious Fraud Investigation Office hai, wo Ministry of Corporate Affairs ke under establish hua hai. एक कमेटी बैठी थी कॉर्पोरेट ऑडिट एंड गवर्नेंस को लेके, उसका नाम था नरेश चंद्र कमेटी. उन्होंने इसको एस्टैब्लिश करने की बात की थी एंड इसको जो भी स्टैट्यूटरी पावर्स हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 से मिली हैं. ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है. कोई भी वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, जितने भी वाइट कॉलर क्राइम्स हैं उसमें अगर फॉरेंसिक ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैपिटल मार्केट, टैक्सेशन, मतलब कि बेसिकली कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉमर्स, ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई वाइट कॉलर क्राइम्स हैं उनके लिए ये ऑफिस बनाया गया है जो कि है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस. दे आल्सो हैव द पावर टू अरेस्ट, जो इनके 2017 में मिली है, कोई भी फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन होती है जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट स्टेक में हो तो उसके बेसिस पे ही SFIO को वो केस अलॉट किया जाता है. Next is consider the following statements regarding Program for International Student Assessment, that is PISA. It is an international assessment that measures 15-year-old students' reading, mathematics and science literacy. PISA is coordinated by the Pratham NGO and it is conducted every 3 years. इसमें हमें correct statement देखने हैं. First statement is correct. जो PISA है वो 15-year-olds जो हैं इंटरनेशनली उनका असेसमेंट करता है रीडिंग, मैथमेटिक्स और साइंस लिटरेसी के बेसिस पे. इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस काफी पुअर रहा था जिसके बाद से इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था. एंड नंबर वन लास्ट असेसमेंट के अकॉर्डिंगली सिंगापुर के स्टूडेंट्स रहे हैं परफॉर्मेंस में. एंड इट इज नॉट कोऑर्डिनेटेड बाय प्रथम एनजीओ, इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द OECD. OECD इसको कोऑर्डिनेट करता है, प्रथम एनजीओ जो है वो एसर रिपोर्ट निकालता है, नॉट द पीसा. एंड इट इज कंडक्टेड एवरी 3 years, सो इट इज करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 3. इसको कोऑर्डिनेट करता है OECD और कंडक्ट किया जाता है ये यूनाइटेड स्टेट्स में. इसमें सारे इंटरनेशनली स्टूडेंट जो 15 इयर्स के हैं उसमें कंपैरिजन किया जाता है जिससे कि पता लगता है कि स्कूल्स जो हैं हमारे कितने एफिशिएंट है और एजुकेशन सिस्टम हमारा कितना एफिशिएंट है. बेसिक जो चीजें हैं रीडिंग, मैथमेटिक्स एंड साइंस जो है वो स्टडी किए जाते हैं, करिकुलम जो है उनकी कंपैरिजन किए जाते हैं. तो ये प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल असेसमेंट 2020 में भी होगा और इसमें इंडिया इस बार पार्टिसिपेट करेगा. पहले इंडिया अपनी पुअर परफॉर्मेंसेस के कारण पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था. Next is consider the following statements. Vote on account deals only with the expenditure side of government's budget. An interim budget is a complete set of accounts including both expenditure and receipts. Second, as a convention on vote of account is treated as a formal matter and passed by Lok Sabha without discussion. Third, Constitution of India mandates that primary parliamentary approval is required to draw money from the Consolidated Fund of India. इसमें हमें correct statements देखने हैं, वो है all of the above. Vote on account जो है, वो it is similar to interim budget because दोनों ही limited time के लिए होता है. लेकिन वोट ऑफ अकाउंट के अंदर हम सिर्फ एक्सपेंडिचर साइड ही डिस्कस करते हैं. इंटरिम बजट के अंदर इट इज अबाउट द कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट्स जिसमें एक्सपेंडिचर भी होता है एंड रिसीट्स भी होते हैं. कन्वेंशन यही है कि जो वोट ऑन अकाउंट है वो डिस्कस नहीं किया जाता है लोकसभा में एंड नॉर्मली इट इज पास्ड विदाउट डिस्कशन. एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मैंडेटरी करता है कि पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए किसी भी टाइप का विड्रॉ करने के लिए फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. इसलिए लिमिटेड टाइम के लिए वोट ऑन अकाउंट में भी जो पैसे चाहिए होते हैं उसके लिए भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ता है. ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आर्टिकल 266 ये चीज बोलता है कि पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है कंसोलिडेटेड फंड से पैसे विड्रॉ करने के लिए. आर्टिकल 114 स्टिपुलेट्स दैट नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द इनएक्टमेंट ऑफ अ लॉ, जिसे कि हम अप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं. अब वोट ऑन अकाउंट में गवर्नमेंट जो है वो अप्रूवल मांगती है पार्लियामेंट का कि लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे कि सैलरीज, ऑनगोइंग प्रोग्राम्स के लिए पैसे देने के लिए जब फुल बजट नहीं प्रेजेंट किया जा सकता हो तब वोट ऑन अकाउंट होता है. और ये प्रेरोगेटिव है
नई गवर्नमेंट का ही प्रेरोगेटिव होगा कि कुछ भी पॉलिसी चेंजेस करने हैं तो वो फुल बजट में करेंगे, वो वोट ऑन अकाउंट में नहीं होते हैं। सिमिलर अब हम फुल बजट एंड वोट अकाउंट का कंपैरिजन देख सकते हैं। फुल बजट में भी बोथ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू साइड होते हैं, इंटरिम बजट में भी दोनों साइड होते हैं, वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द गवर्नमेंट बजट होता है। वोट ऑन अकाउंट नॉर्मली 3 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए होता है, फुल बजट 12 महीने के लिए पूरे साल के लिए होता है। वोट ऑन अकाउंट ट्रीटेड एज अ फॉर्मल मैटर एंड इसका लोकसभा में नॉर्मली डिस्कशन नहीं होता है। इंटरिम बजट जो है उसका भी जो डिफरेंस हम पहले देख चुके हैं कि वो सिर्फ वोट ऑन अकाउंट सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात करता है। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन करने से पहले मैं पिछली वाली वीडियो में एक करेक्शन करना चाहूंगी कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसका एक क्वेश्चन था जिसमें टेन्योर मैंने बोला था कि 5 ईयर्स होता है, बट दैट इज रॉन्ग, दैट क्वेश्चन वॉज रॉन्ग। अभी चेंजेस आए थे अक्टूबर 2019 में, जिसके बाद से जो सीएसी का टेन्योर है वो सिर्फ 3 ईयर्स तक के लिए कर दिया गया है। तो प्लीज आप पिछले वाले में भी करेक्शन कर दीजिए एंड सीएसी का जो टाइम है ऑफिस में रहने का वो अब मैक्सिमम 3 ईयर्स का है, नॉट 5 ईयर्स का। So, seventh is consider the following statements regarding institution of eminent scheme. It is awarded by the HRD Ministry. Only higher education institutes currently placed in the top 500 of the global ranking or top 50 of the national institutional ranking framework are eligible to apply for eminence tag. Third, these institutions will not be subject to the regular UGC inspections. So, institution of eminence काफी बार news में रहता है। तो HRD मिनिस्ट्री जो है वही इसको अवार्ड करती है, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम जो है उन्हीं ने चलाई है, तो दिस इज करेक्ट। सेकंड इज आल्सो करेक्ट, इस स्कीम के लिए एलिजिबल ही वही है जो या तो ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 500 में आते हैं या टॉप 50 के अंदर आते हैं, जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इस रैंकिंग को भी HRD मिनिस्ट्री ही निकालती है, तो वही एलिजिबल है। एंड ये जो इंस्टीट्यूशंस होंगे इनको काफी ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी एंड यूजीसी के जो इंस्पेक्शंस हैं, दे विल नॉट बी सब्जेक्ट टू दैट। काफी करिकुलम को लेके भी ऑटोनॉमी दी जाएगी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी इन इंस्टीट्यूशंस को दी जाएगी। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इसमें इवन जो ग्रीन फील्ड वेंचर्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दोनों ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो 500 टॉप रैंकिंग के अंदर आने चाहिए। और इसका मेन फायदा यही है कि इंडिया चाहता है कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले, क्योंकि जितनी भी ग्लोबल रैंकिंग्स आती हैं इंडिया के इंस्टीट्यूशंस या तो बहुत कम होते हैं, अगर होते भी हैं तो रैंकिंग में बहुत पीछे होते हैं। तो हमें ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, उसके लिए हम ये एमिनेंस की स्कीम लेके आए हैं। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीका वायरस। First is, it is transmitted by Aedes aegypti mosquito. It derives its names from the Zika forest of Uganda. It can be transmitted sexually. So the correct answer is D, all of the above. इसे Aedes aegypti नाम का जो mosquito है, वही transmit करता है। ये वाला जो mosquito है, it is also responsible for dengue and chikungunya. Second, इसका जो नाम है, ये युगांडा में एक जीका फॉरेस्ट है उससे ही डिराइव किया गया, तो दिस इज आल्सो करेक्ट एंड इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। सो ऑल ऑफ द अबव आर द राइट ऑप्शंस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेम मॉस्किटो इज ट्रांसमिटिंग डेंगू एज वेल एज चिकनगुनिया एंड ये प्रेग्नेंट वुमेन का उसके जो चाइल्ड है उसमें भी ट्रांसफर हो सकता है। उससे क्या होता है कि जो चाइल्ड बोर्न होता है उसमें भी कुछ माइक्रोसेफली नाम का एक डिफेक्ट हो सकता है। माइक्रोसेफली के अंदर जो चाइल्ड दैट विल बी बोर्न उसका जो हेड होगा दैट विल बी अनयूजुअली स्मॉल एंड कुछ अदर ब्रेन एबनॉर्मलिटीज जो है वो भी इस बेबी के अंदर आ सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसमिटेड सेक्सुअली एंड इवन थ्रू द मॉस्किटो। 2016 के अंदर WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी बोला था, जब ये अफ्रीका के काफी नेशंस में प्रेवेलेंट था। इवन इंडिया में भी अब जो ये है जीका वायरस का थ्रेट है वो आ चुका है, इवन दो बहुत ज्यादा केसेस नहीं हुए बट इंडिया इज ऑल्सो प्रोन टू दी जीका वायरस। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज अ नॉट for profit company set up by the Ministry of Finance. The government of India through Ministry of Skill Development and Entrepreneurship holds 51% share capital of NSDC while the private sector has 49% of the share. NSDC aims to promote skill development by catalyzing
creation of large quality and for not profit vocational institutions. तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शंस देखने हैं. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डेवलप किया गया इंस्टीट्यूशन है जो कि है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. नॉट फॉर प्रॉफिट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया है. स्किल डेवलपमेंट ने नहीं किया है, सेटअप इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया है. मिक्स नहीं करना है यहाँ पे. ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो इसका शेयर है 51% प्राइवेट सेक्टर के पास है, 49% जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के पास है. सेटअप किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, 49% शेयर गवर्नमेंट के पास है, जो मेजॉरिटी 51% शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है. इसका एम यही है कि हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, हमें स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करनी है, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हमें लेके आने हैं. सो द करेक्ट आंसर इज बी, 1 एंड 3. यहाँ पे आप इसका थोड़ा सा डिटेल देख सकते हैं कि क्यों इस्टेब्लिश किया गया है. हम वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स लेके आने हैं. इवन फंडिंग भी प्रोवाइड करता है जो एनएसडीसी है, जहां पे भी प्रॉफिटेबल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स चलाने हो एंड क्वालिटी इंश्योर करनी हो ट्रेनिंग के अंदर. एप्रोप्रिएट मॉडल डेवलप करता है, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करता है. एनएसडीसी मेन काम है स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना इंडिया के अंदर. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. फर्स्ट द इंडेक्स रैंक्स कंट्रीज एंड टेरिटरीज बाय द परसीव्ड लेवल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस पीपल. इट यूजेस अ स्केल ऑफ 0 to 100 वेयर 0 इज हाईली करप्ट एंड 100 इज वेरी क्लीन. फर्स्ट थर्ड इज इट इज रेज्ड बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. इसमें आपको एक चीज ध्यान से देखनी है कि एक्चुअल करप्शन जितनी है उस कंट्री के अंदर वो नहीं इसके अंदर देखा जाता. इसमें परसीव्ड जो करप्शन है वो देखी जाती है कि लोगों को क्या लगता है, परसेप्शन क्या है करप्शन को लेके वो इसमें देखा जाता है. जीरो अगर रैंकिंग उसका स्कोर है तो मतलब हाईली करप्ट है, 100 मतलब इट इज वेरी क्लीन, एंड इसको निकालता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. सो डी, ऑल ऑफ दी अबव इज दी राइट आंसर. इंडिया का रैंकिंग इसमें हमेशा काफी लो रहता है एंड लास्ट टाइम डेनमार्क वॉज द कंट्री जिसका हाइएस्ट रैंक था जहां पे भी लीस्ट परसेप्शन ऑफ करप्शन है. आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन, इट इज अबाउट द परसेप्शन नॉट द राइट अमाउंट ऑफ करप्शन दैट एग्जिस्ट इन द कंट्री. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. Established in 1974 as per framework of OECD, a candidate country must be a member country of the OECD and it releases the World Energy Outlook. So all the statements are correct. OECD के framework के under International Energy Agency को establish किया गया था and जो लोग IEA के member बनना चाहते हैं they must be a member of OECD. लेकिन OECD का member बनने के लिए IEA का member होना जरूरी नहीं है. OECD के सारे member IEA के member नहीं है, लेकिन IEA के सारे members का OECD का member होना जरूरी है. And it releases some reports जिसमें से एक है World Energy Outlook. और भी कुछ ये रिपोर्ट्स निकालते हैं जैसे कि वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स, ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट 2017 भी इन्होंने निकाला था. अब ग्लोबल एनर्जी को लेके ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मेन फोकस है एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. सिर्फ एनर्जी रिलेटेड ही नहीं है, 3 E's है इनका फोकस, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. इनका जो सेक्रेटेरिएट है, हेडक्वार्टर है, वो पेरिस फ्रांस के अंडर है. एंड इनका मिशन भी यही है कि हमें क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी जो है वो प्रमोट करनी है और एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फर्स्ट, द सेंटर हैज बीन ओपन्ड बाय साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट इन एसोसिएशन विद द UNDP एंड FAO. सेकंड, द सेंटर वुड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग द G7 एंड African countries on common initiative in Africa to achieve the goals set by the Paris Agreement and the 2030 agenda.
सो हमें इसमें भी करेक्ट ऑप्शंस देखने हैं. फर्स्ट इज नॉट राइट, इट इज रॉन्ग, बिकॉज ये जो सेंटर है ये इटली की गवर्नमेंट ने इसको खोला है, इटालियन गवर्नमेंट ने खोला है, रोम में इसको खोला है. सो दिस इज रॉन्ग, बट इट इज इन एसोसिएशन विद यूएनडीपी एंड एफएओ. ये वाला पार्ट सही है. सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कोऑर्डिनेशन होगा G7 कंट्रीज का और अफ्रीकन कंट्रीज का, ताकि ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो भी पेरिस अग्रीमेंट है क्लाइमेट का उसको अचीव कर सकें, और जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 2030 एजेंडा है उसको अचीव कर सकें. सो द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली. इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं. ये फैसिलिटेट क्या करेगा, G7 और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में जो भी कॉमन इनिशिएटिव होंगे, ताकि अफ्रीका अपने गोल्स को अचीव कर सके रिगार्डिंग पेरिस अग्रीमेंट एंड 2030 एजेंडा. इस सेंटर को होस्ट करेगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. कहां पे, इटली में है ये अफ्रीका का इनिशिएटिव, लेकिन ये इटली में होगा, रोम में इसका सेंटर होगा. ये डिमांड ड्रिवन मैकेनिज्म होगा, अफ्रीकन कंट्रीज की जैसी डिमांड्स हैं, जैसे रिक्वायरमेंट हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, फूड सिक्योरिटी को लेके, वाटर, क्लीन एनर्जी, इन सब चीजों को लेके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें कॉपरेशन करना है, उनका एक्सेलरेटेड जो है इम्प्लीमेंटेशन करना है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द एंटी डंपिंग ड्यूटी. First, it is a protectionist tariff that a government imposes on foreign imports that it believes are priced below market value. They are trade import duties imposed under the WTO rules to neutralize the negative effects of subsidies. These are the concessions provided for exporters where they have to face duties in the importing country. They are the duties applied to negate the impact of duties applied in the exporting country. So the correct answer is A, एंटी डंपिंग ड्यूटी. ये एक तरीके का प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है. कई बार कुछ कंट्रीज अपने यहां से एक्सपोर्ट करती हैं दूसरी कंट्रीज में, जैसे चाइना है, चाइना इंडिया में कुछ एक्सपोर्ट कर रही है एंड वो इतने ज्यादा हाईली सब्सिडाइज हैं चाइना में कि इंडिया में उनका जो प्राइस होगा वो मार्केट वैल्यू से काफी नीचे होगा, जिससे कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान होगा. तो समझिए, इंडिया में एक चीज 100 रुपए की है और वो चाइना से इंपोर्ट हो रही है 80 रुपए में, और वो 80 रुपए इसलिए नहीं है कि वो बहुत एफिशिएंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो इसलिए है कि हाईली सब्सिडाइज्ड है ये चाइना के अंदर. वो अपने एक्सपोर्ट्स को भी सब्सिडाइज कर रहे हैं, प्रोडक्शन को भी कर रहे हैं. तो ये 20 रुपीज का फिर इंडिया उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा. वो अपना सामान इंडिया में डंप कर रहे हैं कम प्राइस में, तो उससे हमारे प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए जो 20 रुपीज की ड्यूटी लगी है ये है एंटी डंप ड्यूटी. इसी के साथ की एक और ड्यूटी है, उसको हम बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी. काउंटर वेलिंग ड्यूटीज में कई बार जो दूसरी कंट्री है वो बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज करती है अपने एक्सपोर्ट्स को सिर्फ मार्केट को कैप्चर करने के लिए. अब चाइना अपने सारे प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा सब्सिडाइज करके इंडिया में बेचेगा तो हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा, तो उस नुकसान से अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए इंडिया कुछ ड्यूटी लगा सकता है जो कि WTO के अंदर भी अलाउड होंगी, जिससे कि उनकी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ जो सब्सिडी है वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा. अब जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो एक तरीके का प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है जो एक डोमेस्टिक गवर्नमेंट लगाती है किसी भी फॉरेन के इंपोर्ट्स पे, क्योंकि उन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू से कहीं ज्यादा नीचे अपने प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया में बेचता है. इसमें आपको याद रखना है कि फेयर मार्केट वैल्यू की बात होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी में. जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है उससे काफी नीचे जो है अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचेंगे वो, और एक तरीके से डंपिंग करेंगे हमारी मार्केट में. जैसे चाइना ने बहुत ज्यादा सी स्टील प्रोड्यूस कर लिया और उसको फिर वो एक्स्ट्रा उनके पास इतनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो इंडिया में बेचते हैं, एक तरीके से डंप कर रहे हैं एक्स्ट्रा जो उन्होंने स्टील प्रोड्यूस की है बहुत ज्यादा कम रेट पे, जिससे कि हमारी मार्केट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है. तो वो है एंटी डंपिंग ड्यूटी. जब सब्सिडीज के इफेक्ट को नेगेट करने के लिए ड्यूटी लगाई जाती है तो वो होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी. सो द नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग WTO. फर्स्ट, द WTO ऑफिशियली कमेंस्ड ऑन 1st January 1995 under the Marrakesh Agreement, replacing the General Agreement on Tariffs and Trade. Second, the 12th Ministerial Conference is set to be held in Astana, Kazakhstan in 2020. The highest decision-making ministerial conference usually meets every 2 years. So, इसमें सारे जो statements हैं, वो correct हैं, क्योंकि
ये शुरू हुआ था 1995 में मराकेश अग्रीमेंट के अंदर। मराकेश अग्रीमेंट के अंदर डब्ल्यूटीओ बनने से पहले हमारे पास गैट होता था, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि 1948 को आया था, उसको हटा के डब्ल्यूटीओ लाया गया। अगला जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो अस्ताना कजाकिस्तान में होगा, एंड हाईएस्ट जो डिसीजन मेकिंग बॉडी डब्ल्यूटीओ की है वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि हर 2 साल बाद मिलती है। सो ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये देखिए मराकेश अग्रीमेंट, एंड उसके बाद है 1948 में गैट को हटा के बनाया गया है। इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। डब्ल्यूटीओ इंटरनेशनल ट्रेड में किसी भी टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रोहिबिट करता है। इंडिया इसका मेंबर है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी समग्र शिक्षा। इट अज्यूम्स सबज्यूम्स दी थ्री अर्स्टवाइल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड दी टीचर एजुकेशन। सेकेंड, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सो इसमें दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, बोथ 1 एंड 2। पहले हमारे पास 3 अलग अलग स्कीम्स थी एजुकेशन की, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। इनको हटा के अब एक ही स्कीम है हमारे पास, समग्र शिक्षा। सो दिस इज करेक्ट, एंड इट इज ऑल्सो करेक्ट दैट इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब जो एजुकेशन है वो स्टेट सब्जेक्ट है, आई एम सॉरी इट्स नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट, ये कॉन्करेंट में है। तो मतलब इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोथ द स्टेट एंड द सेंटर। सो बिकॉज ऑफ इट बीइंग इन द कॉन्करेंट लिस्ट, आप याद रख सकते हैं कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होगी, बोथ सेंटर एंड स्टेट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दिस स्कीम। सो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। मेन हमारा जो फोकस है वो इस टाइम पे टीचर एजुकेशन पे भी है और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने में है एजुकेशन में, और उसके लिए अब एक समग्र शिक्षा स्कीम है। पहले हम इसको डिवाइड करते थे कि सर्व शिक्षा अभियान में छोटे बच्चों के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग स्कीम है। अब हमने एक ही स्कीम है जिसमें पूरी स्कूल एजुकेशन को एक तरीके से डील किया जाएगा, प्री स्कूल से लेके 12th क्लास तक देखा जाएगा कैसे हम एजुकेशन के लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए ये समग्र शिक्षा स्कीम जो है वो लाई गई है। जो भी स्टेट्स इसके अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा, जो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के पास जो भी एफर्ट्स हैं उनको हार्मोनाइज किया जाएगा, पहले जैसे जो एजुकेशन को लेके एफर्ट्स हैं वो स्कैटर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साल्ट सत्याग्रह। महात्मा गांधी एम्बार्क्ड अ हिस्टोरिकल साल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम इन गुजरात अहमदाबाद टू अ विलेज ऑफ दांडी इन द स्टेट्स कोस्टल एरिया टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टीप टैक्स दैट ब्रिटिश लिवाइड ऑन द सॉल्ट। सेकेंड, इट लेड टू द मास क्विट इंडिया मूवमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज A1 ओनली। महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च शुरू किया था साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक, कोस्टल एरिया के अंदर जाके उन्होंने खुद से सॉल्ट प्रोड्यूस किया था। ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत ही ज्यादा स्टीप टैक्स था सॉल्ट पे। एक तो सॉल्ट आप इंडियंस को प्रोड्यूस नहीं करने दे रहे थे, एंड जो सॉल्ट आप बेच रहे हैं उसपे बहुत ज्यादा स्टीप टैक्स था। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने एक सॉल्ट मार्च शुरू किया था, सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया था, एंड इट इज द राइट स्टेटमेंट, बट द सेकेंड इज नॉट राइट बिकॉज इट लेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉट द क्विट इंडिया मूवमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज A1 ओनली। ब्रिटिशर्स ने प्रोहिबिट किया था कि ना इंडियन सॉल्ट कलेक्ट कर सकते हैं ना ही सॉल्ट को सेल कर सकते हैं, एंड सॉल्ट ऐसी चीज है जिसे गरीब से गरीब इंसान से लेके अमीर से अमीर इंसान भी कंज्यूम करता है। तो ये एक तरीके का फायदा हो गया था कि गांधी जी को लोगों को मोबिलाइज करना ईजी हो गया था, बिकॉज सॉल्ट इज अ कमोडिटी दैट एवरीवन यूजेस, एंड उसके बाद फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इट वॉज बॉट इन 1974 इन रिस्पॉन्स टू द इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट, जिसको कि हम स्माइलिंग बुद्धा भी बोलते हैं उस टेस्ट को। सेकेंड, इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग। थर्ड, इट्स अ मल्टी लेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। फोर्थ इज डिसीजंस इंक्लूडिंग ऑन मेंबरशिप आर मेड बाय द कंसेंसस। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है आपके 1, 3 एंड 4, क्योंकि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में, तब उसको लेके एक
न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना था 1974 में. सो इट इज करेक्ट. इट इज नॉट करेक्ट दैट इट इज बाइंडिंग. इट इज नॉट बाइंडिंग. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज एनएसजी के जो डिसीजन है वो बाइंडिंग नहीं होते हैं स्टेट्स पे. थर्ड इज करेक्ट. मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है ये न्यूक्लियर सप्लाई को कि जो एक्सपोर्ट है उसको रिजीम को कंट्रोल करता है. एंड सारे डिसीजन जो है वो कंसेंसस से होते हैं इंक्लूडिंग मेंबरशिप. इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है. तो स्टेटमेंट करेक्ट इज 1, 3 and 4. एनएसजी 1974 में आया. मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है ये ग्रुप को लंदन क्लब भी बोला जाता है क्योंकि इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो 1975 में लंदन में हुई थी. ये कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एंड इसके डिसीजन बाइंडिंग नहीं है. ऑल्दो जो भी ये डिसाइड करते हैं वो कंसेंसस से होता है. अभी इसके मेंबर जो है 48 सप्लायर ग्रुप्स हैं. इंडिया इसका मेंबर नहीं है और चाइना ने इसमें इंडिया की मेंबरशिप को रोका हुआ है क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की है. इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं करता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडिया एनपीटी जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है. इंडिया सेज व्हाई द P5 नेशंस आर अलाउड टू हैव द न्यूक्लियर वेपन्स एंड अदर्स आर नॉट. एंड ये डिस्क्रिमिनेटरी है. अगर जब तक वो डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया विल नॉट साइन द एनपीटी. और उसी वजह से चाइना जो है एनएसजी में इंडिया की एंट्री को रोक रहा है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. दीज आर द क्वेश्चंस. टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग द फेब्रुअरी सेकेंड वीक. थैंक यू सो मच.